हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियांशु चौधरी। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं टाटा नेक्सॉन XMS इसकी कुछ फीचर एंड टिप्स ट्रिक्स बताने जा रहा हूं। ये है मेरी टाटा नेक्सॉन की की इसी में 2 से 3 फीचर आपको अवेलेबल है, तो वीडियो में बने रहिए आखिरी तक। तो पहला फीचर है इसकी फॉलो मी हेडलैम्प। ये जो सेकेंड बटन आप देख रहे हो, ये जो सेकेंड बटन जो देख रहे हो, इसको बोलते हैं फॉलो मी हेडलाइन। ये फीचर आपको रात में कहीं गाड़ी पार्क कर दिए हैं और आपको गाड़ी दिख नहीं रहा है, कहीं दिख नहीं रहा है, तो आपको इसको ढूंढने के लिए आप एक बार क्लिक करेंगे तो आपकी गाड़ी के हेडलाइट ऑन हो जाएगी और आप गाड़ी को आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। करते हैं सेकेंड फीचर की ओर। तो सेकेंड फीचर है इस की में ही ये की लॉक और अनलॉक बटन दोनों एक साथ आप प्रेस करते हो तो गाड़ी की चारों इंडिकेटर और बीप की साउंड आपको सुनाई लगने लगेगी। इसे भी यूज करते हैं गाड़ी को ट्रेस करने के लिए। तो आपको देखिए कैसे देखते हैं और इसको लॉक या अनलॉक बटन दबाते ही साथ ही आपको ये फीचर डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो चलते हैं थर्ड फीचर की ओर। थर्ड फीचर है गाड़ी की बूट अनलॉक के लिए। ये की में आपको बूट अनलॉक के लिए बटन नहीं दी हुई है, पर इसमें भी छुपी हुई एक हिडन फीचर है जो आप इससे बूट अनलॉक कर सकते हैं। आपको ये बीच वाला हेडलाइट की बटन दिख रही है, इसको 10 सेकेंड आप प्रेस करके रखते हो तो आपकी बूट अनलॉक हो जाएगी। तो इसको देखिए 10 सेकेंड तक प्रेस करके रखा, बूट अनलॉक हो गई। अब ये आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। तो बढ़ते हैं अगले फीचर की ओर। गाड़ी अभी लॉक है, मैं इसे अनलॉक करने जा रहा हूँ। अनलॉक किया, गाड़ी ऑटोमेटिकली ये 30 सेकेंड के अंदर लॉक हो जाती है। ये आपको इसको कोई बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, ये गाड़ी खुद ब खुद लॉक हो जाएगी 30 सेकेंड के अंदर। आप किसी कारण लॉक करना भूल गए हैं तो आपको ये फीचर बहुत काम आने वाली है, ये ऑटोमेटिकली 30 सेकेंड के अंदर लॉक हो जाएगी। देखिए अभी गाड़ी लॉक हो जाएगी, ये मैं बटन कोई भी प्रेस नहीं करने वाला हूँ अभी, ये ऑटोमेटिक, ये देखिए गाड़ी लॉक हो गई। अभी ये मैं खोलने की कोशिश करूँगा, नहीं खुलने वाली अब। तो बढ़ते हैं अगले फीचर की ओर। अभी आप देख पा रहे हैं कि गाड़ी की DRL ऑन है। अब इसको ऑफ़ करने लगे बहुत कोई नहीं जानते हैं, तो इसको ऑफ़ करने के लिए तरीका है, आपको आना है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के पास। मैं इधर से यहाँ देख सकते हैं आगे में। अब इसको आप देख रहे हैं DRL की लाइट ऑन है। अब इसको ऑफ़ करने के लिए मुझे देखिए ये आप बटन देख पा रहे होंगे, ये देख रहे हैं अभी ऑफ़ है। अब मैं इसको क्या करना हो, इसको जल्दी जल्दी ऑन ऑफ करना हो 2 टाइम्स। एक अब देखिए आपको यहाँ पर बटन दिख रही, लाइट नहीं दिख रही है। अब बाहर चल के भी आपको दिखाते हैं, लाइट ऑफ हो चुकी है। अब देखिए लाइट ऑफ हो गई है। तो बढ़ते हैं अगले फीचर की ओर। अगला फीचर है चाइल्ड लॉक। अभी आप देख रहे हैं इसमें बैक के दोनों सीट में चाइल्ड लॉक की ऑप्शन मिलती है टाटा नेक्सॉन में। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ सेफ्टी चाइल्ड लॉक दिख पा रहा है, इसको आपको नीचे करना है, ये लॉक हो जाएगी। एरो बटन देख रहे हैं, एरो नीचे मतलब लॉक हो गए। ये लॉक बटन दबा देने के बाद आप अंदर से कोई डोर खोल नहीं सकता। अब बाहर से तो खोल सकता, अंदर से कोई नहीं खोल सकता। मैं आपको अंदर तो दिखाता हूँ। तो अभी आप ये डोर खोलने की कोशिश करेंगे, ये नहीं खोलने वाला अभी, ठीक है। बाहर से खुल जाएगी ये। तो बात करते हैं अगले फीचर की ओर। आप देखते हैं कि कोई भी कार में चाबी निकाल देने के बाद आपको विंडो का एक्सेस नहीं मिलता है, विंडो ऑन ऑफ
कांच को ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। अभी देख रहे कांच नीचे ऊपर हो जा रहा है, ये चाबी डाला हुआ है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मेरा ऑन है। अब मैं जैसे ही चाबी निकालता हूँ ये ऑफ कर दिया, फिर भी मैं अभी फ़िलहाल 10 से 30 सेकंड के अंदर आप विंडो ऑपरेट कर सकते हैं। आपको जो विंडो खुला हुआ है उसे बंद कर सकते हैं। अब कोई भी गेट ऐसे अनलॉक करते हैं तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगी। अब इसको आप करना चाहते हैं तो अब नहीं होने वाली है, ऑन ऑफ नहीं होगी। मेरी चाबी बाहर निकली हुई है गाड़ी की, नहीं डाला हुआ। ये है नेक्स्ट फीचर। तो बढ़ते हैं अगले फीचर की ओर। इसका नेक्स्ट फीचर है ये सनरूफ। सनरूफ को आप ओपन कर लिए हैं और किसी कारण से आप सनरूफ बंद करना भूल गए हैं, तो आप जैसे ही कि आप निकालते हैं ये ऑटोमेटिकली सनरूफ ऑफ हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो बढ़ते हैं अगले फीचर की ओर। तो ये देख सकते हैं इसमें हुक काफ़ी सारा दिया हुआ है, हर हुक 3 kg लगेज लेती है। अब देख सकते हैं 3 kg अभी अंदर मिल गया काफ़ी। ये देख सकते हैं किधर, ये देख सकते हैं इसमें आप सूट वूट लगा सकते, लटका सकते हैं। ये किधर देख सकते हैं, ये किधर देख सकते हैं। एक आपको पैसेंजर साइड सीट में भी है। आप देख सकते हैं ये हिडन, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको हुक है, इसमें भी आप 3 kg लगेज लगा सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले फीचर की ओर। तो अगला फीचर है ये, आप किसी वजह से गेट आपका लॉक नहीं हुआ, ये लॉक नहीं हुआ और आप लॉक करते हैं, आप लॉक करते हैं तो आपको एक बीप की साउंड की आवाज़ सुनाई देगी, तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ मैं मिसिंग कर रहा हूँ, तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं, टिल देन बाय, जय हिंद।